ये दुनिया का पहला खोजी गधा जिसने खोज निकाला वर्षों पुराना रहस्यमयी मकबरा। कहते हैं गधे किसी काम के नहीं होते, इसीलिए तो बेवकूफ शब्द के पर्यायवाची के तौर पर इस जानवर के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक गधा ऐसा भी है जो दरअसल गधा नहीं है। जी हाँ, इस गधे ने एक ऐसी चीज खोज निकली है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल बात इजिप्ट की है, जहाँ पर अनजाने में एक गधा चरता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा, और जब उसे बचाने के लिए गधे का मालिक उस गड्ढे में उतरे तो उनकी आंखें खुल की खुली रह गई। गड्ढे के अंदर उन्हें एक छुपा हुआ रास्ता मिला, और जब खोज हुई तो सामने आया कई सौ वर्षों ये छुपा हुआ कुमेल शोकाफा का मकबरा। प्रचलित कहानियों के मुताबिक कुमेल शोकाफा का मकबरा हमेशा के लिए खो चुका था, लेकिन एक गधे के कारण ये रहस्यमयी दुनिया लोगों के सामने आ पाई। स्थानीय रिकॉर्ड्स के अनुसार ये बात वर्ष 1990 की है, जब अनजाने में गधे के मालिक ने ये ऐतिहासिक मकबरा ढूंढा था। इस शख्स का नाम ये सईद एलीजी 12 बताया जाता है, जो यहाँ का स्थानीय निवासी था। इस शख्स ने मकबरा देखने के बाद तुरंत वहाँ के एक म्यूजियम को इस घटना के बारे में जानकारी दी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए बताई गई जगह पर खोज शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये मकबरा ग्रीको रोमन दौर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान रहा था जिसमें ये मकबरा बना हुआ है। ये भी पता चला कि ये मकबरा कभी जमीन के ऊपर था, और वक्त के फेर में ये धीरे धीरे वीरान हो गया और जमीन के नीचे होता चला गया। अनजाने में हुई इस खोज के बाद गधे के मालिक को इनाम राशि भी दी गई, जिसकी वजह से ये ऐतिहासिक धरोहर दुनिया के सामने आ सकी थी। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि पहले मकबरा सिर्फ एक ही परिवार के लोगों की बॉडीज दफनाई जाने के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कई लोगों की बॉडीज दफन की जाने लगी। यहाँ दफनाई गई बॉडीज आज भी काफी अच्छे हालत में मौजूद है। अभी भी ये मकबरा रिसर्च के दायरे में है, और अभी इस मकबरे के कई और रहस्य खुलने बाकी है। इजिप्ट में इस तरह के और भी रहस्यमयी मकबरे मिले हैं, और इन सब के अलावा इजिप्ट अपने पिरामिड्स और ममी के लिए भी मशहूर है।